नमस्कार, माननीय मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर आसीन भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू जी, सीएजी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सीएजी के राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारीगण, सीएजी के लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के माननीय सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य और आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का तीसरे ऑडिट दिवस के आयोजन के समारोह में हार्दिक स्वागत है। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था दुनिया में सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिटर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था और इसी उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। आज का यह समारोह लेखा परीक्षकों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका एवं उनके समर्पण और अखंडता को सम्मानित करने के साथ साथ संस्थान के इतिहास और विरासत को चिन्हित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और अब निवेदन है श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू जी, भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, कि आप स्वागत भाषण के साथ तीसरे ऑडिट दिवस समारोह के आयोजन की महत्ता पर अपने विचार साझा करें। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी, विशिष्ट अतिथिगण, सहकर्मीगण, देवी और सज्जन, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का तीसरे ऑडिट दिवस पर स्वागत करते हुए स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशील मानता हूँ। इस समय देश भर में फैले हमारे कार्यालयों से लगभग 43,000 से अधिक लोग वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऑडिट दिवस 16 नवंबर 1860 को भारत के पहले महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं सीएजी संस्था की स्थापना के महत्वपूर्ण अवसर की याद दिलाता है। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व के पहचानते हुए वर्ष 2021 से हम 16 नवंबर को ऑडिट दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारा संस्थान के मूलभूत मूल्यों की पुष्टि करने, उत्कृष्टता को पहचानने और हमारी सार्वजनिक पहुँच को बढ़ाने का एक उत्सव है। इस वातावरण में उत्सव की यह भावना हमें अपने संस्था पर अत्यंत गर्व की अनुभूति कराता है और सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस के प्रति हमारा उत्तरदायित्व का महत्व बढ़ जाता है। जब हम हाल के अतीत पर नज़र डालते हैं तो वहां हम भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था द्वारा कई मोर्चे पर की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष एवं संतुष्टि का भावना दिखाई देती है। यह एक ऐसा समय रहा है जहां हमने अपने संवैधानिक दायित्व के पूरा करने के साथ साथ वैश्विक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समुदाय के बीच नेतृत्व के बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे हॉलमार्क प्रोडक्ट जिसे हम सभी स्टेक होल्डर जानते हैं वो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सुशासन के बढ़ाने, संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, पारदर्शिता और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता करती है। हमारे संगठन के ठोस प्रयास के परिणाम स्वरूप 2022-23 के दौरान सरकारी गतिविधियों के सभी पहलुओं का शामिल करने वाली 183 ऑडिट रिपोर्ट संसद और राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश भर में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति एवं बदलाव हुए हैं। इस पैराडाइम शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए हमने भी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया है और इस वर्ष हमने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2023 से हमने यूनिक एंटरप्राइज वाइड प्रोसेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम OIOS का उपयोग कर 100% डिजिटल ऑडिट प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो गए हैं, जो हम
हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। यह उपलब्धि उन लोगों के अनावरत प्रयास से ही संभव हो पाया है जिन्होंने इसके अवधारणा दी, इसे बनाया, एक के बाद एक मॉड्यूल के बड़ी मेहनत से एक साथ जोड़ा, साहसपूर्वक कार्यान्वयन शुरू किया, लोगों को प्रशिक्षित किया और रात दिन मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध है रहे। डाटा एनालिसिस हमारा ऑडिट प्रक्रिया की एक स्थायी विशेषता है और नियमित रूप से ड्रोन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग जैसे उन्नत उपकरणों के उपयोग ने हमें इसमें बारीकी अवलोकन करने में सक्षम बनाया है जो पहले संभव नहीं होता। राज्य सरकार की वित्तीय प्रणाली के साथ हमारे लेखा कार्यालयों के इंटीग्रेशन के हमने वित्तीय सूचना प्रवाह और बड़े डेटा सेट तक पहुंचने प्रदान की है। लेखा कार्यों में डेटा एनालिटिक्स क्षमता के विकसित करके हम अकाउंट्स और ऑडिट के बीच संबंध और मजबूत करने के प्रयास करेंगे। विशेष रूप से वित्तीय सूचना विश्लेषण के लिए हमारा मानना है कि इससे ऑडिट बेहतर जानकारी के साथ होगा और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आउटकम्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जब हम अपने गणराज्य के 75वें वर्ष का समारोह मनाने की तैयारी कर रहे, लोकल गवर्नेंस के मजबूत करने और इस प्रकार जमीनी स्तर के लोकतंत्र के मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना उचित है। इसी क्रम में हमने 73वें और 74वें संविधानिक संशोधन के कार्यान्वयन पर राज्यों में लेखा परीक्षा के लोकल फंड ऑडिटर्स द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रमाणित करने की आवश्यकता की महसूस करते हुए हमने पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर लोकल गवर्नमेंट ऑडिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की स्थापना कर रहे हैं। यह अपनी तरह का एक पहला ऐसा संस्थान होगा जो विशेष रूप से स्थानीय शासन और इसके ऑडिट के संबंध में कैपेसिटी बिल्डिंग के आवश्यकता को पूरी करने के लिए समर्पित होगा। एक विषय जिस पर हमारा विशेष ध्यान है वो है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सब गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर काम करने की इच्छुक पर्याप्त संख्या में योग्य एवं परिशिक्षित अकाउंटेंट्स की अनुपलब्धता, खासकर निचले स्तरों और दूर दराज के इलाकों में कम पारिश्रमिक और स्थानों की दूरी के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे कार्यों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सीएजी संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत अकाउंटेंट्स का एक स्किल्ड टैलेंट पूल तैयार करने के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास अपेक्षित परिश्रम के भुगतान पर अपने खाते तैयार करने के लिए उन्हें नियुक्त करने का विकल्प होगा। ये कौशल विकास पहल न केवल स्थानीय स्वशासन के अकाउंट्स की समय पर तैयार करने और ऑडिट में सहायक होगी बल्कि आयोग के अन्य मानदंड को पूरा करने के परफॉर्मेंस ग्रांट का लाभ उठाने में भी इन संस्थानों को मदद करेगी। आशा है कि इस पहल से इन स्थानीय संस्थाओं के निर्धारित तरीके से अकाउंट्स तैयार करने में आवश्यक मदद मिलेगी और इस प्रकार वे नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करने में सक्षम हो सकेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड और सीएजी का कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पर परिसंपत्ति लेखाओं पर सफलतापूर्वक कंपेंडियम तैयार किया गया जिससे सस्टेनेबिलिटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है। जल संसाधन हमारा अगली प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। गजब के जल लेखाओं के टेंटेटिव टेबल्स विकसित किए हैं और इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम सहमति बनाने के लिए इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों को भेज दिया गया है। पिछले एक वर्ष में सीएजी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के साथ G20 के साई 20 सहभागिता समूह के लिए साई मंच की अध्यक्षता
और मेजबानी करते हुए हमें अग्रणी क्षेत्रों के ऑडिटर पर सार्थक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करने में मदद मिली। ऑडिट में नागरिक भागीदारी, लेखा परीक्षा में उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के एकीकृत करना, प्रभावशाली ब्लू इकोनॉमी का ऑडिट, साथ ही रेस्पॉन्सिबल AI अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के विषय थे। अन्य साई के उदार योगदानों की वजह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी के ऑडिट के साई अनुभवों पर साई 20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2 संग्रह प्रकाशित किए। यह स्वीकार करते हुए कि ऑडिट एक ज्ञान आधारित गतिविधि है, हमने अपने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्लू इकोनॉमी का ऑडिट के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस की भी संस्थापन किया। यह नवोदित केंद्र पहले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और वेबिनार आयोजित करते हैं। इस वर्ष CAG के पेशेवर कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें हमारे एक्सटर्नल ऑडिट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए पहली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया गया। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में हमारा नवीनीकरण भी किया गया, जो हमारे सेवाओं की गुणवत्ता की पुष्टि करता है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि ऑडिट दिवस उत्कृष्टता के पहचान है और हमारी सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने का एक अवसर है। यह कैटलिस्ट इन पब्लिक परस्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस के हमारे वार्षिक प्रकाशन के विमोचन के माध्यम से किया जाता है, जो संगठन में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं और इनोवेशंस का एक संग्रह है और विभिन्न श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों के साथ साथ विशिष्ट कार्य करने वाली टीमों की भी पहचान है। हम संस्थान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन बढ़ाने में इसकी भूमिका को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एक सप्ताह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाते हैं। युवा हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हितधारक है। उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए दूसरी द्विभाषी राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका समापन आज दोपहर बाद पुरस्कार प्रदान करने के साथ होगा। निबंध का विषय भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन तथा CAG का भूमिका था। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। माननीय राष्ट्रपति जी, हम एक फॉरवर्ड लुकिंग संस्थान है जो अपने उपलब्धियों तक सीमित रहने में विश्वास नहीं रखता। एक नॉलेज इंटेंसिव और नॉलेज ड्रिवन संस्थान के रूप में हमने अपने कौशल को और निखारने के हेतु कुछ अच्छे सकारात्मक कार्यों की शुरुआत की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक पैनल चर्चा एवं ऑडिट रिपोर्टिंग की मजबूती प्रदान करने पर आधारित एक कार्यशाला ने हमारी कार्य प्रक्रिया को मजबूत किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सकारात्मक उपयोग हेतु नवीन दृष्टिकोणों की शुरुआत की। हमारे पास हमारे उत्सव से जुड़े ड्राइविंग चेंज 2030 एम्पावरिंग एक्शन टू सेप आवर फ्यूचर जैसी अति महत्वपूर्ण विषय के साथ महालेखाकार सम्मेलन आज दोपहर शुरू हो रहा है। इस दौरान हमारा विचार विमर्श 2023 से 2030 की अवधि हेतु स्ट्रैटेजिक प्लान और CAG में डिजिटल ग्रोथ एवं आगे की राह पर केंद्रित होगी। 4 लक्ष्यों और 10 रणनीतियों के वाली स्ट्रैटेजिक प्लान का उद्देश्य संस्थान को अधिक प्रभावशाली पेशेवर ऑडिट सेवाओं प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता और समय पर अकाउंटिंग और एंटाइटलमेंट फंक्शन को प्रदान करने तथा हमारे हितधारकों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने में सक्षम बनाने हैं। जैसे हम उत्कृष्टता हेतु प्रयत्नशील है, ऑडिट दिवस एक सुअवसर है। माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी उपस्थिति में संस्थान को बुलंदियों पर ले जाने एवं हमारे मोटो लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा को कायम रखते हुए देश के नागरिकों की भलाई के लिए निरंतर कार्य करने की राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के संकल्प को हम दोहराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का हमारे बीच पुनः स्वागत करता हूँ। आपकी यहाँ उपस्थित हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होए।
अडिट दिवस के अवसर पर इस संस्थान के सभी सदस्यों को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर। इस प्रथम अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणात्मक है और अब निवेदन है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी से कि आप कृपया एक स्मृति चिन्ह भेंटकर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का स्वागत और सम्मान करें। धन्यवाद सर। यह हम सबके लिए सम्मान की बात है कि आज का यह महत्वपूर्ण अवसर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामयी उपस्थिति द्वारा सुशोभित है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। करतल ध्वनि के साथ स्वागत भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का। समारोह में उपस्थित कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मिस परवीन मेहता जी, सीएनएजी संस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, आज आयोजित हो रहे तीसरे ऑडिट दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं भारत में ऑडिट व्यवस्था के लिए कार्यरत लगभग 45,000 लोगों की टीम के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के ही दिन यानी 16 नवंबर को वर्ष 1860 में भारत के प्रथम ऑडिटर जनरल को नियुक्त किया गया था। इस तरह देश की वर्तमान ऑडिट व्यवस्था के पीछे 160 वर्षों से भी लंबी अवधि की विरासत विद्यमान है। सीएनएजी के नेतृत्व में सरकार के ऑडिट समुदाय ने इंटीग्रिटी, गवर्नेंस और सिस्टम बिल्डिंग को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सबकी और आपके पूर्ववर्ती कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सराहना करती हूँ। आज विश्व समुदाय में भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है। विश्व की कुल GDP में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के CNAG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत द्वारा SAI 20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोडमैप तैयार करना अच्छी प्रयास है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का CNAG संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना भारत के CNAG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के CNAG द्वारा यूनाइटेड नेशंस से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की CNAG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये CNAG टीम की विश्व स्तरीय क्षमता का प्रमाण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस टीम द्वारा अनेक देशों को ऑडिट के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आप सब फाइनेंशियल ऑडिट,
कंप्लायंस ऑडिट तथा परफॉर्मेंस ऑडिट के क्षेत्र में विश्व के अन्य सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के लिए नई प्रतिमान और आदर्श स्थापित करेंगे। देवियों और सज्जन, जैसा कि सभी जानते हैं, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के परिणाम स्वरूप वर्ष 1858 में ब्रिटिश हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन संबंधी अधिकारों को समाप्त करके भारत की व्यवस्था को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के तक के कालखंड के दौरान कॉलोनियल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उनके कानून और संस्थान बनाए गए। आज हम स्वाधीन भारत की विकास यात्रा के अमृत काल से गुजर रहे हैं। इस दौर में कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आकर समतामूलक और लोकतांत्रिक सोच के साथ आगे बढ़ने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है। मेरा मानना है कि परंपराओं और व्यवस्थाओं में जो कुछ उपयोगी है उसे हम जारी रखें तथा जो कुछ क्षमता लोकतंत्र तथा त्वरित विकास के अनुरूप नहीं है उसे छोड़ दें या सुधार दें। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुशासन और राष्ट्र निर्माण के हित में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को विशेष अधिकार और दर्जा प्रदान किया है। ये अधिकार संसदीय प्रणाली के तहत प्रदान किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य का अक्सर उल्लेख किया जाता है। सीएनएजी के महत्व के विषय में बाबा साहेब ने कहा था, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही इज द वन मैन हु इज गोइंग टू सी दैट द एक्सपेंसेस voted by parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by parliament। बाबा साहेब के इस वक्तव्य में ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि संसद का निर्णय सर्वोपरि है। संसद का निर्णय जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। आज हमारे देशवासी वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। सीएलएजी सहित देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सीएलएजी द्वारा सेंट्रल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स की स्थापना सहित अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा अन्य आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य के प्रति ये सजगता उपयोगी सिद्ध होगी। देवियों और सज्जनों, वर्ष 1949 में अंगीकृत किए गए हमारे संविधान के मूल अंग्रेजी पाठ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा अधिकृत हिंदी अनुवाद में भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक पदनाम दिया गया है। लेकिन आज सीएनएजी की पूरी टीम से अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसे नियंत्रक और परीक्षक के रूप में योगदान दे जो देश की विकास यात्रा में सहयात्री भी हो तथा मार्गदर्शक भी हो। निकट भविष्य में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में आप सबकी विशेष भूमिका रहेगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से युक्त आज की बाजार व्यवस्था का प्रभाव सभी संस्थानों एवं उद्यमों में के लिए प्रासंगिक है। नैतिकता पर आधारित प्रतिस्पर्धा की क्षमता देश के सभी उद्यमों एवं कार्यकलापों में निरंतर बढ़नी चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तथा लीगलिटी सुनिश्चित करते हुए एक्सीलरेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आने वाली अवरोधों को दूर करना सीएडएजी सहित सुशासन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक संस्था एवं व्यक्ति के प्रभावी योगदान की कसौटी।
मैं चाहूंगी कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का सूत्रधार समझा जाए, ऐसा मार्गदर्शक समझा जाए जिसकी स्क्रूटिनी से सही राह पर चलने की सीख मिलती है। मुझे विश्वास है भारत की नई प्रतिष्ठा, नई आकांक्षाओं और नई लक्ष्यों के अनुरूप सीएडएजी की टीम सदैव तत्पर रहेगी तथा नैतिकतापूर्ण त्वरित विकास को बल प्रदान करेगी। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन, उनके प्रेरणात्मक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। और आप सबसे निवेदन है कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रस्थान तक अपने स्थान पर खड़े रहें।